आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को दोपहर के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये तीन कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आज एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों को देनी है। जो शासन स्तर की मीटिंग हुई है उसमें जो प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके पहले MHRD मिनिस्ट्री आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रही है BED विद्यार्थियों को लेकर के, साथ ही साथ NCT के अध्यक्ष महोदय को भी बुलाया गया है, क्योंकि राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से योग्यताओं को सेट कर रही हैं, जो कि जाहिर सी बात है कहीं पे विवाद की स्थितियां होती हैं, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है ना। और एक अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक विज्ञप्ति आपकी वायरल हो रही है कि NCTA ने अपना गजट जारी कर दिया है। NCTA ने अभी कोई गजट नहीं जारी किया है, ठीक है। दूसरा ये कि जो BPSC में सर्वोच्च न्यायालय को कृष्ण भगवान वर्सेज बिहार गवर्नमेंट की एक याचिका थी जिसपे तीन जजों की खंडपीठ ने सुनवाई की, मतलब जजों की बेंच ने, विस्तृत बेंच ने सुनवाई की, और उन्होंने कहा कि मतलब निर्देश जारी किया कि राज्य सरकारों को, मतलब सरकार को ये चीज़ें लागू कर देनी चाहिए। और इसके पहले आपका उत्तर प्रदेश शासन, MP शासन और बिहार और असम ने तो अपने यहाँ जब उनको पत्र का जवाब प्राप्त हो गया, क्योंकि MHRD मिनिस्ट्री को उन्होंने डायरेक्ट लिखा था और NCTA से अप्रूवल कराने के बाद उन्होंने उनकी मान्यता को प्रसिद्ध कर दिया कि हाँ ठीक है, आप BED विद्यार्थियों को सम्मिलित कर सकते हैं। इसीलिए असम गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में 1-5 में BED को एलिजिबल किया, ठीक है ना। देखिए, विवादों का निपटारा होना तय हो चुका है। साथ ही साथ हम जैसे विद्यार्थियों का, ठीक है ना, लगातार धरना प्रदर्शन, लगातार आप सभी लोगों की मजबूती से जो पक्ष रखे जा रहे हैं, और कल की डेट में जो डिफेंस मिनिस्टर जी का हम लोगों ने आवास का घेराव किया था, वास्तविकता में वो अत्यधिक महत्वपूर्ण फैक्टर हो चुका है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आया है, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ज्ञापन भी लिया और विद्यार्थियों से इस बात को लेकर के आश्वासन दे दिया है कि आपके लिए जरूरी संशोधन की प्रक्रिया को निभाया जा रहा है, वो जरूरी संशोधन की प्रक्रिया की जा रही है। मतलब स्पष्ट है कि NCTA का जो अधिसूचना, जो मतलब गजट जारी होनी है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर, और ये जो विज्ञप्ति आप सभी लोगों को दिखाई जा रही है ना विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनलों पर, ये विज्ञप्ति नहीं है, ये एक RTI एक पर्सनल लेटर के जवाब में भेजा गया है, ठीक है ना। अभी मैं ही अगर उस संस्था को, NCTA को एक पत्र लिखूंगा कि वर्तमान में क्या जो है मतलब वो चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी रखी जा रही है प्राइमरी टीचर की, तो वही सेम चीज़ें हमें भी प्रदान की जाएंगी, कोई भी कर ले सकता है ये चीज़ें। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है। विद्यार्थी कहते हैं सर, 28 जून 2018 की अधिसूचना को क्यों मान्यता नहीं दी गई है, क्यों उसमें उसका नाम उल्लेख नहीं है। भैया, अभी भी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया है। निरस्त कर दिया है तो जाहिर सी बात है उसको अमान्य घोषित कर दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर के तो कोई नहीं है ना, तो इस चीज़ को इसीलिए उसमें मेंशन नहीं किया जा रहा है। दूसरा ये है कि राज्यों को, आयोगों को और राज्य सरकारों को, ठीक है ना, ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि अगर वो स्पेशल अनुमति लेना चाहें, जैसे यहाँ पे विशिष्ट BTC वगैरह होता रहा है BED विद्यार्थियों को लेकर के, जैसे प्रशिक्षित शिक्षक के तौर पे जाना जाता है, जाना जाता था ना 2010 के पहले जितने भी टीचर जो है वो नियुक्त होते थे विशिष्ट BTC प्रशिक्षित शिक्षक, यही बोले जाते थे, है ना, ये चीज़ें थी। तो स्पेशल अनुमति लेनी पड़ती थी कि हम भर्ती करना चाहते हैं किसको लेकर के, भैया हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी इतने विद्यार्थी नहीं है, सीटें रिक्त चली जाती हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, सारी चीज़ों का मान्यता वो दिया जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद NCTA और MHRD मिनिस्ट्री, जो कि उसी के अधीन तो है, MHRD मिनिस्ट्री के ही तो अधीन है ना NCTA, तो वो विद्यार्थियों के खिलाफ कैसे हो सकता है। मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हम BED विद्यार्थियों के अगेंस्ट आया है, लेकिन इसमें हतोत्साहित नहीं होना है, इसमें हम सभी लोगों के जो पक्ष हैं उसको मजबूती के साथ रखना है, और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने हम सभी लोगों का समर्थन भी किया है, राज्य के मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो,
या केंद्रीय मंत्री हों, सब लोगों ने आश्वासन पक्का दिया है कि सितंबर महीने के अंदर ही आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा एनसीटीई का, ठीक है ना, जब उसका गजट प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें विरोधाभास है कि नहीं है? विरोधाभास इस चीज़ को लेकर के है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सितंबर में आप सभी लोगों का संशोधित गजट जारी होने की संभावना है, क्योंकि हम लोगों की टीमें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार हम सभी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो कैंडल मार्च के जरिए हो, चाहे नुक्कड़ सभा के जरिए हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन के जरिए हो, चाहे रैली मानव श्रृंखला के जरिए हो, लेकिन आप लोगों के पक्ष को हम लोग मजबूती के साथ रख रहे हैं। और जितने भी सत्ता पक्ष के जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं ज्ञापन लेने के बाद, चाहे वो बेसिक शिक्षा सचिव से लेकर के आपके जो मतलब उत्तर प्रदेश शासन तक जो मंत्री या MLA आते हैं ज्ञापन लेते हैं, वो BEd विद्यार्थियों के लिए अवश्य कह करके जाते हैं कि हम इस पर आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को इसका परिणाम मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में एक मतलब विभिन्नता है, उसमें विभिन्नता मैं किस बात के लेकर के कह रहा हूँ, 2021 की एक अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें 3 वर्षीय नॉर्मल BEd, 2 वर्षीय नॉर्मल BEd, विशिष्ट BEd आदि को सम्मिलित किया गया था, और आज भी वो अधिसूचना वैलिड है, आज भी वैलिड है, ठीक है ना। अब समस्या इस बात को लेकर के आती है कि BEd जब एक जगह पर वैलिड है दूसरी जगह इनवैलिड कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी राज्य सरकार की तरफ से भी बयान आएगा, टेंशन मत लीजिए, जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो राज्य सरकार पे और आयोग पे छोड़ा गया है, ठीक है, कि लागू कर देना चाहिए। अब NCT को और MHRD, अभी तक NCT को राज्य सरकार ने वहाँ पे पत्र लिखा था, ठीक है ना, और राज्य सरकार ने जब पत्र लिखा तो NCT ने अभी फिलहाल उसका जवाब नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि भाई अब उसको MHRD मिनिस्ट्री से बात करनी होगी, जब उधर से अप्रूवल मिलेगा तब सारी चीज़ें होंगी। असम गवर्नमेंट ने क्या किया था, डायरेक्ट MHRD मिनिस्ट्री को पत्र लिखा था, अप्रूवल मिल गया। अब UP गवर्नमेंट ने क्या किया है, दोनों को पत्र लिखा है, MHRD मिनिस्ट्री को भी और आपके NCT को भी। इसलिए आप सभी लोगों को जो मतलब BEd विद्यार्थियों को शामिल करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कंटिन्यू करने की बात सामने आ रही है ना, वो एकदम सर्वथा सत्य है, ठीक। आज जो बैठक हो रही है इसमें संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी नए शिक्षा संवर्तन आयोग को लेकर के, ठीक है, आयु सीमा को की छूट को लेकर के भी मान्यता दी जाएगी, मंजूरी दी जाएगी। साथ ही साथ 72,825 के बचे हुए सीटों पर काउंसलिंग का भी फैसला किया जाएगा, ठीक है। ब्रिज कोर्स करा करके जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को कंटिन्यू किया जाएगा, इसकी भी मान्यता मिलेगी, और जो हमारे अनुदेशक गण हैं उनका भी जो है कल्याण होना तय है। एक मुद्दा सामने आ रहा है कि राज्य सरकारें इस समय अगर चाहें तो प्राथमिक की भर्तियों के में अपनी योग्यताओं को तय कर सकती हैं, ठीक है ना। NCT की गाइडलाइन पूरी तरीके से MHRD मिनिस्ट्री पर निर्भर होती है, और वहाँ के जो मिनिस्टर महोदय हैं अर्थात धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री हमारे भारत देश के, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि BEd की संख्या को देखते हुए, क्योंकि आज एक प्रतिनिधिमंडल फिर से दिल्ली में उनसे मुलाकात किया है, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही ट्रू और रियल अपडेट देता हूँ, मैं कोई भी झूठी दिलासा नहीं देता भैया, इसमें यकीन नहीं है। हम मजबूती के साथ आप सभी लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों में चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, और आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के दम पे हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके अधिकारों को हम लोग छीन करके लाएंगे। जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं वहाँ पे, बताइए क्या स्थितियाँ बन रही हैं, KVS में बढ़िया 140-142 करने के बाद भी बेचारी वो बाहर हो गई हैं, रो रही हैं फूट फूट के। ऐसी परिस्थितियों से हम लोगों ने बाकायदा वीडियो बना करके वो सेंड किया है। साथ ही साथ जब मंत्रीगण भी आते हैं, जब MLA आते हैं, MP आते हैं, जब हम लोगों से लेते हैं ज्ञापन वगैरह, तो उसमें भी हम लोगों को आश्वासन मिल जाता है, पक्का वाला आश्वासन कि इस पे कार्य हो रहा है, सितंबर के महीने में BEd विद्यार्थियों की इन समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी BEd की काउंसलिंग भी होने वाली है, तो टेंशन मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोगों को मैं अपने ऊपर नहीं, खुद पे आप लोग यकीन करिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, और स्थितियां जो अभी प्रतिकूल है वो बहुत जल्दी ही अनुकूल बनने वाली हैं, ठीक है ना।
क्योंकि हर कोई झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। मान लीजिए कि विधायक ने झूठा आश्वासन दे दिया, सांसद ने दे दिया, एक आध मंत्रियों ने दे दिया, तो क्या प्रधानमंत्री भी झूठा आश्वासन देंगे? क्या शिक्षा मंत्री भी झूठा आश्वासन देंगे? क्या गृह मंत्री और आपके आज गृह मंत्री से भी मिलने गए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सर से भी मिलने गए हैं, टीम के सदस्य? लगातार हम लोगों का जो गोलबंदी है, जो एकजुटता है, वो एक मजबूत स्थिति में पहुंचता जा रहा है। आज हम सभी लोग बहराइच में एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन करने चल रहे हैं। लगातार आप सभी लोगों की मांगों को हम लोग शासन तक पहुँचा रहे हैं, और इस एकजुटता का प्रतीक ही है कि अभी तक गवर्नमेंट ने या शिक्षा मंत्री ने या एनसीटी ने आप लोगों के अगेंस्ट कोई बयान नहीं दिया है। ठीक है ना, मानते हैं कि डीलेड और बीटीसी वाले विद्यार्थी इसमें बहुत उछल कूद मचा रहे हैं कि ये गाइडलाइन आ गई है, ऐसा है वैसा। गाइडलाइन आएगी तो एनसीटी की वेबसाइट पर रहेगी और अखिल भारतीय स्तर पर वो लागू हो जाएगा तुरंत। ठीक है ना, अभी गाइडलाइन नहीं आई है, और गाइडलाइन तभी आएगी जब एमएचआरडी मिनिस्ट्री बोलेगी कि हाँ ठीक है, ये संशोधित गाइडलाइन है, आप इसको कर दो। और मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है, उसी में आरटीए एक्ट को संशोधित करके पारित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अब बाकायदा उसको वैधता के साथ, कानूनी वैधता के साथ उसको मान्यता दी जाएगी। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग एकजुटता का प्रदर्शन करिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आप लोगों की एकजुटता, हम लोग जब एक साथ मिलते हैं ना, सत्यम भाई हो गए आपके, विनीत गर्ग जी हो गए, साथ ही साथ जो है राकेश सोनकर जी हो गए, आप विपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, जो हमारी टीम के सारे सदस्य लोग बैठते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया फील्ड पे जितने जितने फॉलोअर्स को और आते हैं, सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद हम लोग उनका प्रेजेंटेशन देते हैं मंत्रियों के सामने, या जिनसे भी हम लोग मिलने जाते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं कि हम लोग इतने सारे लोग विद्यार्थियों का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है, संख्या बल में बहुत ताकत है। संख्या बल दिखाइए और अपने फेवर में फैसला ले आइए। धन्यवाद।